हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम सीखेंगे कि रूट टू वैसे तो हमें सभी को पता है कि रूट टू इज एन नंबर बट हाउ वी कैन प्रूव इट कैसे इसे हमें प्रूव करना है आज की क्लास में हम वो सीखेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आपके पास दो तरीके के मेथड हैं एक तो आपके पास क्या है रूट टू कंसिडर करिए और उसको स्क्वायर रूट की वैल्यूज निकालिए अप टू सिक्स डेसिमल प्लेसेस सेवन डेसिमल प्लेसेस एट डेसिमल प्लेसेस एंड आफ्टर दैट लिव इट एंड उसे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए दैट इट इज नॉट अ रिपीटिंग और रेकरिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग दैट्स सॉ इट इज एन रैशनल नंबर ठीक तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप स्क्वायर रूट निकालिए और उनकी सबकी कर लीजिए पहले दूसरा क्या है आपके पास एक मेथड जिसमें आपको क्या करना है रूट टू को रैशनल नंबर कंसिडर करना है ठीक है लेट करना है एंड देन अपने ही एजम्पन को आपको प्रूव करना है इट इज अ रॉन्ग एजम्पन सो इस तरीके से भी कर सकते हैं तो हम यही मेथड सीखेंगे अभी कैसे हम सपोज दैट हमें क्या करना है सबसे पहले लेट रूट टू इज रैशनल वन सबसे पहला स्टेप है लेट रूट टू इज रैशनल वैल्यू ठीक रैशनल कंसीडर करेंगे इसका मतलब क्या है अगर ये रूट टू रैशनल है देन इट कैन बी रिटर्न इन ए बाई बी और पी बाई क्यू फॉर्म जैसा भी आप चाहे लिख सकते हैं मैंने आपको पी बाई क्यू बताया तो पी बाई क्यू रखिए If root 2 is एन rational number, is a rational number, then it can be written in पी वाई क्यू फॉर्म ठीक है यही रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है इट इटमीज ये डेफिनेशन पे पुट की जा सकती है अब दोनों ही साइड आपको क्या करना है स्क्वायरिंग करनी है स्क्वायरिंग करेंगे देन इट इज टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर देन पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर ठीक इट मीन्स देखिए अगर ऐसे चेंज करते हैं देन पी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू के स्क्वायर इट मींस पी इज डिवाइडेड बाई टू ठीक स्क्वायर ऑफ पी इज डिवाइडेड बाई टू देन अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई डिविजिबल

तो पहली कंडीशन so ये हो गई गईबल बाई टून पी इज ऑल्सो डिजिबल बाई टू ठीक तो ये कंडीशन आपकी पहली हो गई दिस इज कंडीशन नंबर वन सेकेंड कंडीशन पर चलते हैं लेट कर लेते हैं ये सेकेंड एजम्पन है हमारा टू आर स्क्वायर इट मींस पी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर ठीक so, देखिए क्या है एंड वी ऑलरेडी नो दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर ये क्या है हमारी पहले एजम्पन से आया है ठीक है टू क्यू स्क्वायर हमारा पहले एजम्पन से आया तो देखिए क्यू स्क्वायर इज एकवल टू टू आर स्क्वायर ठीक इसका मतलब पहली कंडीशन हमारे पास थी पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर एंड सेकेंड कंडीशन इज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर इट मीन्स पी इज डिविजिबल बाय टू एंड क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय टू ठीक बोथ दीज टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू तो देखिए राशनल नंबर पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर टू पी एंड क्यू के पास एक कॉमन फैक्टर टू है देन दैट्स क्या क्या हुआ और ये क्या है एजम्पन को कि ए पी क्यू इस एजम्पन को क्या करता है वायलेट करता है कॉन्ट्राडिक्ट करता है इट मीन्स दैट पी बाई क्यू इज नॉट अ रैशनल वन क्योंकि रैशनल नंबर्स के डेफिनेशन में क्या है

दोनों के पास कॉमन फैक्टर में टू है दैट्स वाई दिस कॉन्ट्राडिक्ट एजम्शन दिस कॉन्ट्रा दिस कॉन्ट्राडिक्ट एजम्शन ठीक जो हमने एजम्सन कर रखा है कि लेट रूट टू इज एन इज आर रैशनल वन तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है अगर ऐसी कंडीशन होती है टू एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर देन ये हमारे जो कंडीशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है दैट्स वाई जब रैशनल नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास देन इट इज अट इज एन इेशनल दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्शन दैट रूट टू इज रैशनल दे आर फोर इट इज एंड इैशनल दे आर फोर इट इज एन इेशनल तो इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होंगी तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ठीक है ओके इसी के साथ गुड बाय थैंक यू